subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. महिला दिन के अवसर पर जुईनगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से पद नियुक्ति समारोह आयोजित किया गया। इस वक्त नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के सेक्रेटरी सुल्तान मारदार, महासचिव पीर फकीरा, अध्यक्ष इमरान शाह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग राज्याध्यक्ष गफार मलिक, जिला उपाध्यक्ष राशिद खान, एमएसए प्रेसिडेंट कविता म्हात्रे, नुजहत सैयद मुख्य रूप से उपस्थित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष इमरान शाह ने कहा कि शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग को मजबूत करने के लिए वे दिलो जान से मेहनत करेंगे। आज ये जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उस दिन मैं सभी महिलाओं को दिल से सम्मानित करना चाहता हूँ और शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे देश में नारी बहुत आगे है। कुछ लोगों की वजह से नारी का सम्मान नहीं हो पा रहे, लेकिन हम जो हैं हमारे लिए हमारे दिल से नारी का बहुत सम्मान कर रहे हैं इस वुमेंस डे पे। और रही अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मेरी नियुक्ति हुई है एज अ बेलापुर विधानसभा अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग से, और मुझे गर्व है हमारे श्री शरद चंद्र पवार साहब पे, हमारे अजीत दादा पवार साहब पे, और जिनके नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन की, मिस्टर श्री सुल्तान मालदार साहब, राशिद शेख साहब, सैयद पीर पकीरा साहब, इन सभी लोगों ने जो मुझ पे भरोसा जताया है, इंशाअल्लाह ताला उनके भरोसे पे मैं कायम रहूँगा और उनका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा, और मैं दिलो जान से एनसीपी के लिए काम करूंगा और एनसीपी को मेरे को बहुत मजबूत करना है। हमारे एंगल से अल्पसंख्यक विभाग को बहुत मजबूत करना है, जिसमें हम आने वाले समय में अच्छा काम कर सकें, अच्छा योगदान दे सकें, और राष्ट्रवादी पार्टी के लिए हम दिलो जान से लगे हुए हैं। हमारी मेहनत भी चालू हो चुकी है, जिसमें हमने महिला और अदर जो भी लोग हैं सबको साथ में लेकर के हमने ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें इंशाल्लाह ताला हमने काफ़ी लोगों की नियुक्ति भी अता की है और आगे भी हमारा सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और हम इस सिलसिले को अभी कंटिन्यू करेंगे। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक राष्ट्रवादी पार्टी ऑल ओवर इंडिया में छा नहीं जाती है और ऑल ओवर इंडिया में आ नहीं जाती है। इसके लिए हम दिलो जान से जी जान से मेहनत करेंगे। शुक्रिया। जिला उपाध्यक्ष राशिद खान ने कहा कि आने वाले नवी मुंबई महापालिका चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत देंगे। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल वीमेंस डे में तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं और खुसूसी तौर पे महिलाओं को मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही साथ इमरान शाह को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने के लिए महिला दिवस को चुना, आज के इस बहुत अहम दिन को चुना, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो महिलाएं हैं, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो दिलो जान से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके विचारों के लिए मेहनत करेंगे और सुल्तान मालदार साहब की क़यादत के अंदर नवी मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चमकाने में अहम रोल अदा करेंगे। और अभी आने वाला जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में चूँकि महाविकास आघाड़ी इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिलके हैं, इसलिए जो भी कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी का होगा हमारे इलाके में, हम उसको ताकत देंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि नवी मुंबई में महाविकास आघाड़ी का झंडा लहराया जाए, इसकी हमारी और मेयर नव महाविकास आघाड़ी का बने। इमरान शाह को बहुत बहुत मुबारकबाद राष्ट्रवादी कांग्रेस में उनके प्रवेश पे। अन्य मान्यवरों ने सभी महिलाओं को महिला दिन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सबसे पहले मैं ममता फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वुमेंस डे को ऑर्गेनाइज़ किया और एक मैसेज दिया कि पूरे आलम में ख़वातीन की क्या इज्जत है। हमारा मज़हब भी बोलता है, आप सब जैसे कि गफ्फार मलिक साहब ने अपने स्पीच में बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही औरतों का इक्वल राइट्स दिया गया, औरतों को बराबर का मर्तबा दिया गया, तो ये आज जारी और सारी है। और मेरे जितने टीम वर्क है, हमने गफ्फार मलिक साहब की क़यादत में इस काम को लिया, उनकी क़यादत, उनकी रहनुमाई में जनरल सेक्रेटरी का मौका मिला, बाद में नवी मुंबई महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट किया। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी क़यादत को फॉलो करें, हमारी लीडरशिप को फॉलो करें। हमारे लीडर, माइनॉरिटी के लीडर, नो डाउट हम माननीय शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार साहब के आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें ज़रूरत है कि हमारे लीडर, जो भी लीडर आने, विदाउट डिफरेंसेस
नवाब मलिक साहब हो, नसीम सिद्दीकी साहब हो, गफ्फार मलिक साहब हो और दूसरे नुमाइंदे जो कांग्रेस से रिलेट रखते हों, जो सेक्युलर पैटर्न पे काम करते हो, उनकी क़यादत में हमको काम करना चाहिए। अगर हम इकट्ठे रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, मेरी टीम तो माशाल्लाह राशिद खान साहब एक जगह है, फ़कीरा एक जगह है, अतीक है, फराज़ है, साकिब है, बहुत बड़ी टीम है, लॉयर भी हैं, सारे एजुकेटेड, हमारे जायद मुल्ला हैं, आफाक भाई हैं, पूरी टीम मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर इस तरह से हम खड़े रहेंगे और बिखरेंगे नहीं, तो यकीनन जो गफ्फार मलिक साहब बोल रहे हैं, तो वो हुकूमत को हमारे मुतालबे पूरा करना पड़ेंगे, हमारे को हमारी नुमाइंदगी भी मिलेगी, हमारे जो यहाँ पर छोटे मोटे मसाइल है, जैसे गफ्फार मलिक साहब ने कहा कि मौलाना आज़ाद भवन इंशाल्लाह वो बन के रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत महाराष्ट्र हमारी बात हमारे कायद के ज़रिए सुनेगी, और जिसमें बहुत अहम रोल हमारे लीडरान का रहेगा, गफ्फार मलिक साहब का रहेगा, नवाब मलिक साहब का रहेगा और नसीम सिद्दीकी साहब का रहेगा। मैं एक मरतबा फिर हमारी माइनॉरिटीज की टीम से गुजारिश करता हूँ कि मुत्तहिद रहें, हम मुत्तहिद होने जा रहे हैं, हमको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमको बड़ों की क़यादत में रहना है, बड़ों को अपना मानना है, ये हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारे जो दीन का जो दीन की आइडियोलॉजी भी यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइकॉन थे, सहाबा इकराम थे, और अब जो है हमको अपने लीडरान के ज़ेरे सरपरस्ती ज़ेरे निगरान आगे बनकर आगे जो है काम करना चाहिए। हम 13 तारीख को माइनॉरिटी का मेड़ावा रखने जा रहे हैं आश्रय हॉल में, और नवाब मलिक साहब को वहाँ एजाज़ दिया जाएगा, फेलिसिटेट किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये मेड़ावा ज़बरदस्त कामयाब रहे और लोग माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हम एक मैसेज पहुँचाए जाएँ, जिसमें गफ्फार मलिक साहब बहैसियत मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं, नवाब मलिक साहब हैं, और उम्मीद करता हूँ कि डिप्टी CM भी आएंगे, गफ्फार मलिक साहब उसकी कोशिश करने वाले हैं, शशिकांत शिंदे साहब हैं। तो सारे लोगों से मेरी अपील है कि वो इस मेड़ावे को पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ कामयाब करें। शुक्रिया। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से एक मेड़ावे का आयोजन किया गया था, और इसका आयोजन इमरान शाह की तरफ से किया गया था, और आज हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट गफ्फार मलिक साहब भी आए थे, और उन्होंने हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि नवी मुंबई में जिस तरीके से चुनाव का माहौल चल रहा है, उसमें माइनॉरिटीज़ की भी भूमिका अहम होगी, और वो माननीय शरद चंद्र पवार साहब, अजीत दादा पवार साहब तक हमारी इस बात को मौजूदगी से रखेंगे। बस यही इस माध्यम से, ये मेड़ावा के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी इस निवडणूक में भाग मिले, और महिला दिवस पर मैं सारी महिलाओं को महिला दिवस का हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। नई मुंबई में आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ हमने जिनको नेमा था सुल्तान अकबर मालदार साहब, उन्होंने कुछ लोग जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि नई मुंबई खाली हो गई पार्टी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, पर हमारे सुल्तान अकबर मालदार साहब और उनके साथीदारों ने इसकी पूरी जो खाली जगह थी पूरी करके ऊपर लेके गए, इसलिए अकबर सुल्तान अकबर साहब को और उनके साथीदारों को मुबारकबाद देता हूँ। और इस नवी मुंबई में हम जमकर आज के प्रोग्राम के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते कि हम भी तैयार है, आने वाले नगरपालिका का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, उसके लिए राष्ट्रवादी तैयार है, हम पीछे हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम चलेंगे, हम बढ़ेंगे, हम बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई घटना के हिसाब से लड़ा देंगे, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे ये आने वाले कोई भी इलेक्शन में, हम पूरी जान की बाजी लगाकर कामयाब होने की कोशिश करेंगे। मैं नई मुंबई वाले तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूँ, हमारी बच्चियाँ बेटियाँ बहनें माओं को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी कसीर तादाद में आए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। ईश्वर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये नवी मुंबई किसी एक की जागीर ना बने, हम सब की जागीर बने, ये मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ। और हम फिर से आपको कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है, किसी एक के बाप का नहीं, ये हिंदुस्तान को किसी की नज़र ना लगे, मैं हम सब एक है, राम हो रहीम हो सब एक है, हिंदू मुस्लिम कुरान के एक श्लोक कह के मेरी बात को ख़त्म करूँगा। कुरान का एक श्लोक है
ए लोगों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तुम आपस में भाई भाई हो, बाद में तुम्हारे कबीले बिरादरियाँ बना दी ताकि तुम्हारी ओड़क और शनाख्त हो। तुम में सब में अच्छा वो है जिसका चरित्र अच्छा, जिसका कैरेक्टर अच्छा, जिसका अखलाक अच्छा। दो मिसरे कह के मेरी बात को ख़त्म करता हूँ कि अब राम आएंगे दुनिया में न रहीम आएंगे, अब राम आएंगे दुनिया में न रहीम आएंगे, ये इंसान ही इंसान के काम आएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। वसीम काजी के साथ निहल निकम, इनकी रिपोर्ट आवाज टुडे। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।